तो भाई लोग महाराजा ट्रॉफी के SCA T20 2024 का जो मैच नंबर 13 है, इस मैच में गुलबर्गा मजिस्ट्रिक के सामने होगा शिवमोगा लॉयंस। अगर मैं शिवमोगा लॉयंस की बात करती, इनकी जो दुर्दशा है काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि अभी तक जितने मैच खेले सारे मैच हार गए, इनका खाता वाता नहीं खुला। वहीं बात करें गुलबर्गा मजिस्ट्रिक की, तो इन्होंने बस एक मैच जीता, बाकी के सारे मैच ये भी हार रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस है एक जैसी है, फिसड्डी टीमें हैं दोनों, तो ये दोनों फिसड्डी टीमें हैं। जब आमने सामने हैं तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी जो मैच होगा उसे उड़ा के ले जाएगी, जीतेगी, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, तो अभी तक 4 बार आमना सामना हुआ, दोनों टीमों ने 2-2 मैच अपने नाम पे किए। मतलब ये दोनों टीमें जब भी आमने सामने आती हैं, जो लड़ाई रहती है बिल्कुल बराबर की रहती है। हाँ जी, बराबर की लड़ाई रहती है, दोनों टीमें फिसड्डी हैं। तो कौन सी टीम आज आगे निकलेगी, जो मैच होगा उसको अपने नाम पे कर पाएगी, चलो एनालिसिस करके पता लगा लेते हैं। बस उससे पहले पता क्या करना है, जिन लोगों ने अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर डालो यार, अब ना करोगे तो कब करोगे, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। और आपको मेरा टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं कि ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा, लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए ना, लगभग उतने ही रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं और आपको मिलेगी, कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है, ओहो ऐसी बात है। तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाओ ज्वाइन करो। जो आज का मैच है, इस मैच में ना जो भाई की अपडेट है वो चेक करना, अगर आपको सारी अपडेट सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने वाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, काम पसंद आए तब आप चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर हम इस मैच की बात करें तो भैया ये जो मैच है वेडनेसडे 21 अगस्त M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। आप सबको पता सारे मैच इसी मैदान पे खेले जाएंगे महाराजा ट्रॉफी के। आप सबको ये भी पता है जो बेंगलुरु का पिच है बिल्कुल बैटिंग पिच है, बिल्कुल फ्लैट पिच है, रोड जैसा यहाँ का पिच है। बाउंड्री लेंथ भी छोटी है, 55 से 61 मीटर की बाउंड्री है। हेल्प के नाम पर किसी को भी हेल्प नहीं करता, चाहे तेज गेंदबाज हो, स्पिनर्स गेंदबाज हो, लगभग यहाँ पे सबकी पिटाई होती है। हाँ, जो गेंदबाज वेरिएशन थोड़ा सा अच्छे करते हैं उनको थोड़ा सा परचेज मिल जाता है, यानी विकेट मिल जाता है, लेकिन पिटाई तो उनकी भी चलती रहती है, क्योंकि यहाँ का जो पिच है प्रॉपर बैटिंग के लिए है, बिल्कुल सपाट है। तो ऐसे में जो मैच होते हैं वो हाई स्कोरिंग होते हैं, तो आज का भी मैच जो है ना वो हाई स्कोरिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सबको चिन्नास्वामी बेंगलुरु के पिच के बारे में पता है, IPL सभी लोग फॉलो करते हैं। तो जब हाई स्कोरिंग मैच होगा तो कौन सी टीम इस मैदान पर बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएगी, जो मैच होगा उड़ा के ले जाएगी उसे हम जानेंगे। उससे पहले इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें, तो जो गुलबर्गा मजिस्ट्रिक है इसने अभी तक 20 मैच खेला, 11 मैच जीते, 9 मैच हारे, यानी जो गुलबर्गा की टीम है इस मैदान पर एक मैच जीतता है तो एक मैच हार जाता है। शिवमोगा लॉयंस की बात करें तो इसने 17 मैच खेला, 7 जीता, 10 हारा। इनकी जो कहानी थोड़ी सी और खराब है, मतलब एक मैच जीतते तो 1.5-2 मैच हार जाते, तो देखा जाए तो ओवरऑल दोनों टीमें इस मैदान पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, लेकिन जो गुलबर्गा की परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं शिवमोगा लॉयंस से बेहतर है। तो आज के मैच में क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गुलबर्गा मजिस्ट्रिक की। तो भाई जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है लॉली सिसोदिया और देवदत्त पटेकल, देवदत्त पटेकल की बात करें तो ठीक ठाक फॉर्म में, काता मैच छोड़कर लगभग सभी मैच पे रन बनाए, लेकिन लॉली सिसोदिया बस एक मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाए, बाकी के सभी मैचों में फ्लॉप। यानी कप्तान देवदत्त पटेकल बढ़िया शुरुआत करें, लेकिन लॉली सिसोदिया लगातार इनका साथ नहीं दे पा रहे, बस एकाता मैच में बढ़िया साथ दिया, बाकी के मैचों में फ्लॉप रहे। वाहिद फैजान खान की बात करें तो जितने भी मैच खेले वो सभी मैचों में फ्लॉप रहे, तो वाहिद फैजान खान की भी जो परफॉर्मेंस है अच्छी नहीं रही है। इस्मारन आर की बात करें तो इन्होंने बस एक मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करी, बाकी के सभी मैचों में ये भी फ्लॉप रहे। परवीन दुबे की सेम कहानी, एक मैच में बढ़िया खेला, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप। यशोवर्धन प्रताप की बात करें तो ये हैं बैटिंग ऑलराउंडर, बल्लेबाजी की बात करें तो सारे मैचों में फ्लॉप, बस एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 नंबर तक का इनका बल्लेबाज है, कप्तान देवदत्त पटेकल को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। यानी जो गुलबर्गा मजिस्ट्रिक की टीम है इनकी जो बल्लेबाजी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। बाकी गेंदबाजों की बात करें, पृथ्वीराज शेखावत बॉलिंग ऑलराउंडर है, गेंदबाजी तो बढ़िया कर रहे हैं लेकिन बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ योगदान ना दे पाए, लेकिन इनका जो मेन काम है गेंदबाजी करना वो तो पृथ्वीराज शेखावत कर रहे हैं। मोनिस रेड्डी की बात करें तो मोनिस रेड्डी की भी जो गेंदबाजी है तगड़ी चल रही है, सभी एकाता मैच छोड़कर सभी मैच में किफायती रहे, विकेट चटकाए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। विजय कुमार ओवैस की भी जो गेंदबाजी है तगड़ी है, लगातार सभी मैच में किफायती हो रहे हैं, विकेट चटका रहे हैं। लेकिन सरन गौड़ की बात करें तो एकाता मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, बाकी के मैचों में थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, विकेट भी ना मिले, थोड़ा सा महंगे साबित हुए। और रितेश भटकल की बात करें तो ये तो एक भी मैच में बढ़िया गेंदबाजी ना कर पाए, सभी मैच में इन्होंने स्ट्रगल किया। अगर हम यहाँ पे गेंदबाजों की बात करें तो लगभग 3-4 गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, 1-2 गेंदबाज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, महंगे साबित हो रहे हैं। और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अनीस केबी को खिलाया जाता है एज ए बैटर, एक मैच में अनीस केबी ने बढ़िया बल्लेबाजी करी, बाकी के मैचों में ये भी फ्लॉप रहे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बल्लेबाज में सिर्फ कप्तान देवदत्त पटेकल की बल्लेबाजी बढ़िया चल रही, बाकी के जो बल्लेबाज है स्ट्रगल कर रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो 3 गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बाकी 4th, 5th, 6th गेंदबाज
महंगे साबित हो रहे थे, यानी इनकी गेंदबाजी भी आधी अधूरी है किसकी, गुलबर्गा मजिस्ट्रिक के, इसलिए जो अभी तक जितने मैच खेले उसमें से बस एक मैच जीत पाए, बाकी के मैचेस इनको हारने पड़े। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें युवा मोगा लॉयंस की, तो जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है रोहित के एंड निहान उल्लल, ये दोनों ओपन करने आते हैं। कप्तान निहान उल्लल विकेट कीपर भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें एक भी मैच में बल्ला ना चला, एक भी मैच में 10 के ऊपर आंकड़े ना बना पाए, मतलब सभी मैच में ये फ्लॉप रहे। रोहित के की बात करें तो एक मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी, बाकी के मैचों में ये फ्लॉप रहे। अगर हम यहाँ पे शिवम मोगा लॉयंस की बात करें तो इनकी ओपनिंग जोड़ी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, एक भी मैच में बढ़िया शुरुआत नहीं दिला पाई। ध्रुव प्रभाकर की बात करें तो तीसरे नंबर पे खेलने आते हैं, बस एक मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी, बाकी के सभी मैचों में ध्रुव प्रभाकर भी फ्लॉप, मतलब तीसरे नंबर का भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। अविनाश डी की बात करें तो यह है बैटिंग ऑलराउंडर, एक मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी, एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, बाकी के सभी मैचों में ये भी फ्लॉप। तो ऊपर के जो टॉप फोर बल्लेबाज है बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके, शिवम मोगा लॉयंस के। सबसे बढ़िया कोई बल्लेबाजी कर रहा है तो वह है अभिनव मनोहर, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, आईपीएल में भी गुजरात टाइटंस के लिए खेला, लेकिन यहाँ पे भी एक आधा मैच छोड़ दिया जाए तो अभिनव मनोहर लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक अकेला बंदा मैच नहीं जीता सकता, क्योंकि बाकी के जो प्लेयर हैं बल्लेबाज हैं वो अभिनव मनोहर का साथ ही नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ऊपर के चाहे चार बल्लेबाज की बात कर लो, अभी बीच में अभिनव मनोहर के बढ़िया परफॉर्मेंस होती है, नीचे शिवराज हैं, इनको एज ए फिनिशर खिलाया जाता है, लेकिन फिनिशर छोड़िए, फिनिशर का आर भी ना दिखा पाए, एक भी मैच में एस शिवराज बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए, सभी मैचों में फ्लॉप। अगर हम यहाँ पे शिवम मोगा लॉयंस की बात करें तो अभिनव मनोहर को छोड़कर बाकी की पूरी बल्लेबाजी फ्लॉप है। हार्दिक राज की बात करें तो ये ऑलराउंडर है और ठीक ठाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक आधा मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी, दो तीन मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, तो जितना इनका काम है एज ए ऑलराउंडर तो वो तो हार्दिक राज कर रहे हैं बढ़िया परफॉर्म करके। राजवीर वाधवा की बात करें तो इन्होंने एक आधा मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, बाकी के मैचों में बिल्कुल फ्लॉप रहे, एक भी मैच में बढ़िया गेंदबाजी न कर पाए। भारत धुरी की बात करें तो सारे मैचों में महंगे रहे, विकेट भी ना मिला, तो भारत धुरी की भी जो गेंदबाजी अच्छी नहीं, इसके उल्टा एक मैच में 12-15 बना दिए थे उसे छोड़ो, लेकिन गेंदबाजी जो है भारत धुरी ये इनकी अच्छी नहीं रही। वासुकी कौशिक की बात करते हैं, इन्होंने भी एक भी मैच में बढ़िया गेंदबाजी ना करी, एक मैच को छोड़कर एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप, एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, बाकी सभी मैच में कौशिक भी फ्लॉप रहे, बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पाए। एच एस सारथ की बात करते, एच एस सारथ की भी सेम कहानी है, एक भी मैच में बढ़िया गेंदबाजी ना कर पाए, सभी मैच में फ्लॉप रहे, उसके उल्टा एक मैच में बढ़िया बल्लेबाजी कर दी। तो बात करें सबसे बढ़िया जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो है आनंद डोडमानी, इन्होंने एक आधा मैच छोड़कर लगभग सभी मैचों में बढ़िया गेंदबाजी करी। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बात करें शिवम मोगा लॉयंस की परफॉर्मेंस की, बल्लेबाज जैसे कि अभिनव मनोहर और हार्दिक राज की बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस एंड आनंद डोडमानी की बढ़िया गेंदबाजी, इन तीनों को छोड़कर ना बाकी के जो गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, इसलिए जो शिवम मोगा लॉयंस है जितने भी मैच खेले सारे मैच हार गए, एक भी मैच का जीत का खाता इनका नहीं खुला। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच के बिहाफ पे कंपेरिजन करें तो गुलबर्गा मजिस्ट्रिक ने अपने आखिरी के छह मैच में 2 जीते 4 हारे, दुर्दशा इनकी खराब है। बात करें शिवम मोगा लॉयंस की तो आखिरी के 6 मैच में 1 जीते 5 हारे, इनकी जो दुर्दशा है वो तो और भी ज्यादा खराब है। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 155, बेंगलुरु जैसे बैटिंग पिच पे 155 का बल्लेबाजी अब तक, यानी इनकी बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। बात करें गुलबर्गा की तो 168, 168 रन जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं कह सकते। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.35 कहीं ना कहीं गेंदबाजी एवरेज जो है इनका ठीक ठाक है, यानी जो इनके गेंदबाजी इस पिच पे 170 के आसपास रन खाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो बल्लेबाज हैं 168 के आसपास पहुंच पाते हैं, मतलब 170 के नीचे, तभी आखिरी के 6 मैच में बस 2 जीते 4 मैच हार है। बात करें अगर हम यहाँ पे शिवम मोगा लॉयंस की, जो इनका गेंदबाजी एवरेज है 8.45 गेंदबाजी एवरेज की बात करें ना, यहाँ की पिच के हिसाब से ठीक ठाक, यानी इनके भी गेंदबाज 170 के नीचे नीचे रन खाते हैं, जो बल्लेबाज है सिर्फ 155 तक ही पहुँचते हैं। तो ऐसे में एक आता जीतेंगे, बाकी मैच तो हारना पड़ेगा, जो कि वही हो रहा है। तो रिजल्ट की बात करते बिल्कुल थोड़ा सा जो गुलबर्गा है वो शिवम मोगा से बेहतर बल्लेबाजी एवरेज में, जो गुलबर्गा की बल्लेबाजी एवरेज है वो शिवम मोगा से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों का बिल्कुल एक जैसा ही नजर आ रहा है। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी, जो मैच होगा उसे उड़ा के ले जाएगी, जीतेगी, चलो हम आपको अभी तुरंत के तुरंत बता देते हैं। लेकिन अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे यार, कर लो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करें। तो अगर सारी एनालिसिस करने के बाद देखें तो दोनों टीमें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, मतलब ये जो मैच है बराबर का है, 50 गुलबर्गा मजिस्ट्रिक एंड 50 शिवम मोगा लॉयंस। लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है जो आज का मैच है ना गुलबर्गा मजिस्ट्रिक अपने नाम पर कर सकता है, लेकिन इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीतेगी, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए उतने ही रन बनते हैं। इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी, कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है, ओहो ऐसी बात है।
तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अफसर प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है, इस मैच में जो भाई की अपडेट है वो चेक करना, अगर आपको सारी अपडेट सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं पे भी जाने वाने की जरूरत नहीं है। हाँ, काम पसंद आए तब आप चले जाना, तब आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जाएं, भाई का काम चेक करें, फिर जैसा सही लगे वैसा करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।